गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 8th ऑफ अक्टूबर 2023 संडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बर्वन। लास्ट वीक में जो मेजर इवेंट्स थे उसमें से पहला वाला था इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। वहां पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपके पास पूरा का पूरा डिटेल्स है। एंड फ्राइडे को एनएफपी डेटा था उसका भी डिटेल्स आपके पास है। सो अभी हम डायरेक्टली चार्ट में चलते हैं कि कैसे चार्ट वाइज प्राइस एक्शंस बिहेव किया और यहाँ से हम मंडे ऑनवर्ड्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी हम आते हैं डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 106.810। ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये एक इन्वर्टेड पिन बार यानी प्राइस रिजेक्शंस फ्रॉम द हायर एंड। तो इट्स अ वेरी शार्प प्राइस रिजेक्शंस एट द रेजिस्टेंस लेवल। आपको याद होगा ये जो 107.30 से 108.00 इज द सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था आफ्टर ब्रेकिंग अबोव 105.50 से 106.00 का जो रेजिस्टेंस जोन था उसको ब्रेकआउट करने के बाद इस लेवल पे इस जोन पे रेजिस्टेंस मिलना चाहिए था। एंड प्राइस एक्शन के हिसाब से प्राइस अच्छा खासा रिजेक्ट हुआ है एज पर द कैंडल पैटर्न। मंथली आरएसआई ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस एट 60 करेंटली एट 58.37। दिस इंडिकेट्स ज्यादा कुछ ऊपर की तरफ अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जब तक मंथली आरएसआई अबोव 60 क्लोज ना दे। Weekly RSI above 60 at 64.32 and daily RSI at 57.81. ये जो ऊपर था आपका above 60 से below 60 में यहाँ पे एक divergence था जो already हो चुका है आपका this level पे। Just a second, यहाँ पे एक divergence आपका दिख रहा होगा RSI divergence between the price and the RSI। So उसके कारण यहाँ पे एक M pattern बन रहा है। ये जो डेली का चार्ट है, डेली का चार्ट में आप थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, यहाँ पे ये कैंडल 29 सितंबर का कैंडल एक पिन बार बनाया हुआ है। जब तक इस पिन बार के नीचे प्राइस क्लोज नहीं दे देता है तो डाउनवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। सो 29 सितंबर डेट का जो प्राइस है उसके लो के नीचे डेली क्लोज चाहिए अगर डॉलर इंडेक्स में फर्दर सॉफ्टनेस हमें देखना है। अभी एनएफपी डेटा फ्राइडे को था, फ्राइडे का ये कैंडल है। यहाँ पे क्या हुआ है, डेटा बहुत ही बढ़िया आया था, मच बेटर देन मार्केट एक्सपेक्टेशंस। सो उसके बाद प्राइस ऊपर जाके हिट किया था 206.97 लेकिन प्राइस रिजेक्ट हो चुका है यानी दैट डेटा इज नॉट सपोर्टिंग फर्दर डॉलर इंडेक्स। अभी व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट में एक तो हमें देखा है 29 सितंबर का कैंडल का लो, उसके नीचे एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और फ्राइडे का जो एक इन्वर्टेड पिन बार कैंडल बनाया हुआ है इसका मतलब क्या है, ऊपर की तरफ प्राइस रिजेक्शंस हुआ है। मंडे ऑनवर्ड्स डॉलर इंडेक्स को इस लेवल के हाई के ऊपर सस्टेन करना नहीं चाहिए, दैट मीन्स 107 के ऊपर सस्टेन करना नहीं चाहिए। अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो इमीडिएट जो रेजिस्टर हाई टच किया था 107.35 उसको चैलेंज करने के लिए प्रयास करेगा। सो यहाँ पे दो लेवल हमारे पास मिल चुका है 107.00 एंड योर 105.65। ये रेंज के आइदर साइड ब्रेकआउट एंड स्ट्रॉन्ग क्लोज विल डिटरमिन द फर्दर डायरेक्शंस इन डॉलर इंडेक्स। डॉलर रूपी जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 83.09। यहाँ पे RSI वीकली टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60 करेंटली एट 59.37 यानी डॉलर रुपी वीकली बेसिस में अगर स्ट्रांग होना है डॉलर रुपी को ऊपर की तरफ अगर जाना है तो RSI हैज टू मूव अबोव 60 फ्रॉम बिलो। मंथली काफी टाइम से अबोव 60 में ही है सो ये ऊपर जाने के लिए ही मंथली टाइम फ्रेम पे तैयार है लेकिन वीकली में काफी हर्डल्स हैं। एंड डेली जो है यहाँ पे कंटिन्यूअसली आरएसआई टर्म्स में
बीच में दो बार अबव 60 गया था लेकिन सस्टेन कर नहीं पाए, दोबारा थोड़े टाइम के बाद ये नीचे आ चुका है, करेंटली एट 52.35। दैट बीइंग द केस, डॉलर रुपी में एक कंसोलिडेशन, जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना ही बड़ा ब्रेकआउट। अभी ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड और ब्रेकडाउन ऑन द लोअर साइड, ये टाइम विल टेल। हम यहाँ पे सिर्फ इंतजार करना है इस रेंज को ऑन द हायर साइड एंड ऑन द लोअर साइड, कौन सा साइड में ब्रेकआउट करते हैं और ब्रेकडाउन करते हैं, डेट विल डिटरमिन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। जब तक कंसोलिडेशन करते हैं ऑन द लोअर साइड 80 to 80, 80 to 90, एंड ऑन द हायर साइड 80 to 25 से 80 to 40 के बीच, 80 to 83, 25 से 83, 40 के बीच में, तब तक शांति ही शांति है, ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं है, एंड हमें इंतजार के अलावा और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर, वीकली क्लोज दिया है 1.2235। यहाँ पे देखिए एक जो जबरदस्त प्राइस डाउनवर्ड आया फ्रॉम जुलाई मंथ्स, 17th जुलाई ऑनवर्ड्स टिल दिस वन, एक शार्प डाउन मूव के बाद प्राइस कैसे बिहेव किया। लास्ट वीक में भी एक पिन बार बनाया था एंड इस बार इस हफ्ते में भी एक पिन बार बनाया है, जो पिन बार प्रीवियस वीक के पिन बार के नीचे टेस्ट करके दोबारा प्राइस rejections कर चुका है। That considering this is this information, यानी जब तक इस पिन बार के लो के नीचे, यानी last week के लो के नीचे price action sustain नहीं करता है on a daily basis, तब तक हमें sideways to slight upward momentum हम expect कर सकते हैं। Monthly RSI at 44.97, so middle पे ही है, बीच में है 40 and 60 के बीच में। वीकली RSI बिलो 40 से अबव 40 आया है 40.37, डेली RSI आल्सो बिलो 40 से अबव 40 आ चुका है। अभी एक डेली बेसिस में बाइंग अपॉर्चुनिटी एक अच्छा खासा मिल सकता है द मोमेंट ये जो डेली RSI है बिलो 60 से अबव 60 जाके क्लोज देगा। उस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाई कर सकते हैं, लो के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं एंड 1:2 से 1:3 का एक टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। ये वाला आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे एक डाइवर्जेंस भी है, 5 बार डाइवर्जेंस। 5 बार डाइवर्जेंस का ऑलरेडी जो टारगेट है इसका हाई ऑलमोस्ट मैच हो चुका है। अभी इसके हाई के ऊपर एक W पैटर्न है जिसका मोर ऑर लेस टारगेट हो सकता है आपका 1.2450 के तरफ। सो इमीडिएट जो टारगेट बोलिए या रेजिस्टेंस बोलिए, दो लेवल हो सकते हैं। एक लेवल यहाँ पे है, ये है आपका 1.2380 से 1.2400, दूसरा वाला है आपका 1.2450 से 1.2500 का एक लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं आपका वीकली GBP INR। GBP INR जो वीकली क्लोज दिया है 101.69, सिमिलर कैंडल फॉर्मेशंस, प्रीवियस वीक में भी एक पिन बार बनाया था, वो पिन बार रेड इन कलर था, दिस वीक द पिन बार इज ग्रीन इन कलर, एंड ये जो एक डाउन मूव आया फ्रॉम 107.7080 लेवल से 100.27 तक, उसके बाद यहाँ पे एक बाउंस बैक करने का प्रयास कर रहा है। RSI मीन्स नियर 40 पे सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है एट 43.52। मंथली आपका RSI है 53.89, ये सेंटर बैंड, दैट मींस मंथली टाइम फ्रेम पे 99.25 से 100.00 मंथली पर्सपेक्टिव पे एक सपोर्ट है। वीकली पे करंट कैंडल का लो इज द सपोर्ट एंड डेली पे अगर हम देखेंगे ये बिलो 40 से अबव 40 जा चुका है। सो यहाँ पे आपका डाइवर्जेंस एक था, डाइवर्जेंस का जो टारगेट है वो हो चुका है। अभी W पैटर्न के लिए हमें देखना है, यहाँ पे एक W आया है, इस W नेकलाइन के हाई के ऊपर एक हम मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसमें हमारा टारगेट हो सकता है 103.50 का, ये एक हो सकता है। अभी आते हैं हमारे यूरो डॉलर पे। यूरो डॉलर पे वीकली क्लोज जो दिया है 1.0584, ये भी
17 जुलाई से एक अच्छा खासा डाउन मूव आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे 3 बार एक स्ट्रांग क्लोज दिया हुआ है एंड आरएसआई बिलो 40 एट 38.07, ये अबव 40 पे आया नहीं है। मंथली आरएसआई एट 44.85 एंड आपका डेली पे एक डाइवर्जेंस था, जिस डाइवर्जेंस यहाँ पे एक डाइवर्जेंस आरएसआई डाइवर्जेंस आई वांट टू मीन, इस डाइवर्जेंस के कारण जो टारगेट था वो मैच हो चुका है ऑलमोस्ट। अभी डब्ल्यू पैटर्न का एक अकॉर्डिंगली टारगेट हो सकता है जब इस कैंडल यानी 29 सितंबर के हाई के ऊपर क्लोज देगा यूरो डॉलर, एक अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी वीकली यूरो आईएनआर वीकली जो क्लोज है एट 87.99 पे दिया हुआ है, ये भी सिमिलरली एक शार्प सेल ऑफ के बाद एक सपोर्ट बनाने का प्रयास कर रहा है। आरएसआई ट्राइंग टू टेक सपोर्ट नियर 40, करेंटली एट 42.00, मंथली एट 54.38 आरएसआई, डेली बिलो 40 से अबव 40 जा चुका है। सो दैट बीइंग द केस यहाँ पे आपका, आप अगर 4 आवरली पे चार्ट में देखोगे, जब जब ये अबव 60 में आरएसआई जाएगा, वो जिस कैंडल क्लोज करेगा उस कैंडल के हाई के ऊपर आप बाई कर सकते हो, बिलो द लो ऑफ दैट कैंडल आप स्टॉप लॉस रख सकते हो एंड 1:2 का एक टारगेट आराम से बन सकता है। रिस्क टू रिवार्ड आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अभी डॉलर येन जो वीकली क्लोज है 149.23, ये जो कैंडल है ये पिन बार, लेकिन जनरली पिन बार जो है एट द बॉटम ऑफ ए मूव बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल्स होते हैं, लेकिन ये एट द टॉप ऑफ द बुल रन पे हुआ है। कंसीडरिंग दिस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एक बार अगर इसके लो के नीचे डेली क्लोज दे देता है यानी 147.20 147.25 के नीचे एक बार अगर क्लोज दे देता है, इन सच ए केस एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली आरएसआई अबव 60 एट 69.73, मंथली आरएसआई अबव 60 एट 68.49, डेली आरएसआई जस्ट एट 60.59.63। यहाँ पे डेली पे ये आपका पिन, ये जो कैंडल है इसके लो के नीचे अगर डेली बेसिस पे क्लोज दे देता है, एक अच्छा खासा प्राइस डाउन मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी जेपीवाई आईएनआर वीकली जो क्लोज दिया है वो 55.65 में दिया है, आरएसआई बहुत ही वीक है एट बिलो 40, करेंटली एट 33.36, मंथली आरएसआई इज आल्सो बिलो 40 एट 37.04, डेली आरएसआई अभी ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 40, क्या मंडे ऑनवर्ड्स 40 पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने का तैयारी करेगा। यहाँ पे ये जो कल का यानी फ्राइडे का जो कैंडल है वो कैंडल के हाई के ऊपर हम एक बाइंग ऑप्शंस या इंटरेस्ट देख सकते हैं। डॉलर कैंडी आपका जो वीकली क्लोज है वो है एट 1.3656। यहाँ पे आप देखोगे आरएसआई वीकली टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60, मींस बेसिकली अप्रोचिंग 60 एंड प्राइस रेजिस्टेंस एट द हायर एंड। Monthly is also at 58.22. So monthly and weekly above 60 में, RSI daily above 60 से below 60 में आ रहा है। यहाँ पे दो कैंडल tweezer top बनाया हुआ है, that being the case, ये जो दो कैंडल का हाई है ये becomes crucial resistance zone. जब तक इसके ऊपर प्राइस क्लोज नहीं दे देता है, इस इंस्ट्रूमेंट पे सेल ऑप्टिक्स हम कंसीडर कर सकते हैं। अभी आते हैं ऑसी डॉलर। ऑसी डॉलर जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 0.6383, आरएसआई एट 39.47, क्या ये 40 में सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा? मंथली एट 39.65 ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 40, लेकिन हो नहीं रहा है, कन्फर्मेशन चाहिए। यहाँ पे ये जो डेली का है प्राइस, यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, तो ये जो एक बॉक्स है, बॉक्स के नीचे यहाँ पे ब्रेक डाउन किया था, ये बॉक्स यानी प्राइस कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट ऑन द आइदर साइड, ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, इक्वल अमाउंट काफी शार्पली नीचे आना चाहिए था, लेकिन
ये नीचे की तरफ शार्प डाउन मूव नहीं दिया, रेदर बाउंस बैक करके ऊपर गया। दैट बीइंग द केस, ये आने वाले दिनों में काफी जल्दी 6525 की तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटी से। पहले भी फॉल्स ब्रेकडाउन के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था, ऑसी डॉलर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, एंड जो रिजल्ट था और अदर साइड में काफी शार्पली गया था, यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटीज है कि ये अदर साइड दैट मीन्स द हायर एंड पे जाने के लिए तैयार है। सीएनएच आपका जो वीकली क्लोज दिया है वो है 7.3080, RSI monthly above 60, 63.43, weekly above 60 at 62.90, daily 60 पे resist कर रहा है। PBOC means अच्छी तरह से इसको restrict कर रहा है from further depreciations। अभी आते हैं Brent crude जो future है, weekly जो close दिया है ये है आपका 84.94 पे, future Brent crude future, RSI currently at 49.51 on weekly terms, monthly पे एक special जो था ये 60 पे resistance लेके वापस आ चुका है। That being the case, यहाँ पे higher end पे resistance आ रहा है monthly time frame पे, so weekly and daily पे sell upticks may be considered। यहाँ पे हमने एक expectations किए थे कि ये जो neckline है इसको ब्रेकआउट के बाद ऊपर की तरफ जाने के लिए, Brent crude फ्यूचर का 107 का टारगेट था, and Brent crude आपका ये जो कैश में है उसमें हमारा 105-106 का एक टारगेट था, लेकिन ये जो आपका ब्रेकडाउन हो चुका है नीचे की तरफ, इसके बाद हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? जब तक मंथली आरएसए अबव 60 नहीं जाता है, सेल ऑप्टिक्स में बी कंसीडर्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट। अभी US 10-year treasury 4.8050 पे वीकली क्लोज दिया है, काफी स्ट्रेंथ है। मंथली RSI above 60 72.48, वीकली RSI above 60 76.69, डेली RSI at 73.47, ऑल आर हाइपर बुलिश। यहाँ पे एक कैंडल बनाया था 4th of October में, जहां पे एक टॉप को रिजेक्ट कर रहा था, रिजेक्ट करके नीचे आया था, अभी फिर दोबारा फ्राइडे को टच किया लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया। ये बिकम्स एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल लेवल 4.90। इस जब तक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है तो ये नीचे की तरफ आने का एक्सपेक्टेशन से, एक बार इस लेवल के ऊपर क्लोज दे देगा तो ये और फर्दर ऊपर जाने का दम रखता है। अभी 2-year ट्रेजरी जो है वो क्लोज दिया है 5.085। यहाँ पे आप देखो RSI वीकली टर्म्स में अराउंड 60 होवर अराउंड कह रहे, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। यहाँ पे अब विथ रेस्पेक्ट टू आप 10-year देखोगे, 10-year काफी बुलिश है, व्हेयर इज द 2-year इज नॉट दैट मच बुलिश ऑन वीकली एंड डेली पे। वीकली RSI एट 62.07, 60 के आसपास ही घूम रहा है, मंथली बुलिश है 74.58, लेकिन प्राइस एक्शन सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक ये वीकली एंड डेली जब तक वीकली एंड डेली अबव 60 नहीं जाता है, तब तक ये मंथली में मोमेंटम पकड़ेगा नहीं। सो यहाँ पे जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है काफी कम हो चुका है, इट्स अबाउट 28 बेसिस पॉइंट्स का इन्वर्शन कर्व जो है वो नीचे आ चुका है। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। एक क्विक रिकैप हम अगर देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स में हमने जो देखा है यहाँ पे जो इधर गया डॉलर इंडेक्स ये है, यहाँ पे आपका जो क्रूशियल लेवल है ये है आपका 29 सितंबर के लो के नीचे एक सेलिंग इंटरेस्ट देख सकते हैं, और फ्राइडे के हाई के ऊपर एक दोबारा टेस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो मंडे अनवर्ड्स कहाँ पे जाता है ये हमें देखना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली GBP डॉलर, GBP INR, यूरो डॉलर, यूरो INR हम अकॉर्डिंगली व्यू बना सकते हैं। सो ये प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा होगा कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑल्सो शेयर अमंग योर फ्रेंड सर्कल। थैंक यू एंड बाय बाय।